संगरूर के गांव सारों का मिनी पीएचसी सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़ा है। 6 एकड़ में बनी सरकारी अस्पताल की इमारत में चारों तरफ घास फूस का साम्राज्य। आधा दर्जन गांव के लोगों को दे सकता है स्वास्थ्य सुविधाएं। संगरूर के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना ने किया अस्पताल का दौरा और राज्य के मुख्यमंत्री से अस्पताल की हालत सुधारने की अपील की। हर मोहल्ले में अस्पताल बनाने वाली राज्य सरकार के दावों की हवा उस वक्त निकलती दिखाई देती है जब उसके राज्य में बड़े बड़े अस्पताल अभी तक बुरी हालत से बाहर नहीं निकल सके। आज बात करने जा रहे हैं संगरूर के गांव सारों के मिनी पीएचसी सरकारी अस्पताल की, जिसकी हालत हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा गांवों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सक्षम इस सरकारी अस्पताल में ज्यादातर पोस्ट है खाली और सफाई का बुरा हाल है। इमारत जर्जर होती जा रही है, चारों तरफ घास फूस का साम्राज्य है और राज्य सरकार नए क्लिनिकों का उद्घाटन करने में व्यस्त है। जबकि बिना खर्चे के ऐसे बड़े अस्पतालों को अगर ठीक कर लिया जाए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सकता है। संगरूर के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना ने इस मिनी पीएचसी सरकारी अस्पताल का दौरा किया और राज्य के मुख्यमंत्री से ऐसे अस्पतालों की हालत तुरंत ठीक करने की मांग की। करके 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 95-96 ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। 6-7 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ 2002 ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੈ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। सारों गांव का सरकारी अस्पताल एक सुंदर जगह है। 6 एकड़ में बना हुआ है। इसकी इमारत सही ढंग से खड़ी है। इसकी सफाई और थोड़ी मरम्मत की जरूरत है और इसमें खाली पड़े पदों को अगर भर दिया जाए तो यह आधा दर्जन से ज्यादा गांव को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सक्षम हो सकता है। प्रधानमंत्री के सामने भी राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपना नजरिया साफ किया था। अभी मैंने इस सरकारी अस्पताल का दौरा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए किया है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री इस संस्थान को ठीक कर दे तो 6 से 7 गाँव को इसका फायदा हो सकता है। अपने ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਪਰ ਕੰਮ ਚੁੰਕੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 30 ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਦੋਗੇ? ਬਣ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 30 ਬੈੱਡ ਬਣੇ ਸਰ? 30 ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤੇ 2 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ। ਐਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਾਰੋਂ ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 30 ਬੈੱਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਕੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ और डॉक्टर आ जाते हैं तो 6-7 गांव को इसका फायदा हो सकता है। इसको 30 बेड तक का अस्पताल बनाया जा सकता है। सारी बिल्डिंग बेकार पड़ी है। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, की नाम है मैम? मंजू रानी। मैम, इत्थे जड़ी परेशानियां तो अनु आ रही हैं, पहले तो उस दे बारे जानकारी दे दो, कित्थे यह डिस्पेंसरी पैंदी हैगी ते किन्ने समय तो तुहानू जड़ी रिक्वायरमेंट्स ने तुसी अगे दसियां होईयां ने? पिछले काफ़ी सालों तो मेडिकल अफसर की पोस्ट खाली है, तो गगड़पुर वाले डॉक्टर है जी, उन्होंने हफ्ते 2 दिन ड्यूटी लगी है, मंगलवार तो वीरवार, तो अज उन्हों का ऑफ है। तो सफाई सेवक की पोस्ट भी पिछले 2 साल तो खाली है, तो महकमे वालों हफ्ते 1 दिन मंगलवार को सफाई सेवक की ड्यूटी लाई हुई है।
की कमी लगती है तुहानू इत्थे वी जिहड़ी तुहानू फेस करनी पैंदी है या मरीज आंदे ने गे ते बाहर सफाई दा भी दिक्कत है। प्रॉब्लम ये फेस करनी पैंदी है कि भी ये जिहड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ये लोगों ने अपनी शामलाट पुराने टाइम च दिती हुई है गवर्नमेंट नू ते ओ उहनां नू बस यही है कि भी असी इन्नी जमीन देती हालांकि साडा कोई रोल नहीं है जमीन उन्होंने दिती है आपां कोई फोर्स नहीं किया। तो मेन मेरा तो ये डिमांड है कि भी एल टी की पोस्ट खाली है वह आ जाए या ड्यूटी लग जाए बाकी डिपार्टमेंट को पता ही है केड़ी केड़ी पोस्ट वेकेंट है तो टाइम नाल डिपार्टमेंट भी ड्यूटी इतने लाते हैं लोग इतनों मुख रख देवे। डिपार्टमेंट ने हफ्ते में एक बार सरकारी सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। हफ्ते में दो बार डॉक्टर साहब आते हैं और लोगों का कहना है कि उन्होंने 6 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को दी है लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको सरकारी अस्पताल के तौर पर अच्छे से नहीं चला पा रहा है। विभाग को पता है कौन कौन सी पोस्ट खाली है, अगर पोस्ट भर दी जाए या ड्यूटी लगा दी जाए तो अस्पताल अच्छे से चल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।